हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैनल पे इंजीनियर SK 0.1 यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा चैनल है फ्रेंड्स, जहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड ऑल कंसेप्ट को क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो CNC से रिलेटेड हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो, टेक्निकल जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारा इस चैनल पे क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग सिर्फ तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगर आप लोग BTech किए हो, डिप्लोमा किए हो, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर नॉन टेक्निकल भी हो, ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मौका मिलेगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग पूरी वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए। ठीक है, आप लोग स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट क्लियर कराए जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आज की जो टॉपिक है, ठीक है, आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है कि चिप्स, टाइप ऑफ चिप्स। अब खाने वाला आप लोग चिप्स मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चिप्स CNC मशीन जो होती है, या फिर आप लोग नॉर्मली खराद मशीन जिसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे जो मटेरियल रिमूव होता है ना, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए जो हम कटिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, उस टूल जो एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करता है ना, तो वहाँ पे जो चिप्स जनरेट होता है। अब वो चिप्स कितने टाइप से होती हैं, अलग अलग मटेरियल के अनुसार, मटेरियल के हार्डनेस के अनुसार चिप्स भी अलग अलग टाइप की निकलती रहती हैं। ठीक है, तो आज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेटर लेवल तक पहुँच गए, प्रोग्राम लेवल तक पहुँच गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टाइप ऑफ चिप्स क्या होता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है पर थ्योरी नहीं है। दोनों चीज़ आप लोगों को जब तक नहीं रहेगा, तब तक इंडस्ट्री में आप जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करोगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियर वह कैंडिडेट होता है ना, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद उस पोजीशन को हासिल करता है जिस पोजीशन को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और ये वही कैंडिडेट बता सकता है, वही एम्प्लॉय बता सकता है जो लगातार फ्लो में लगातार वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ी दिन प्रॉब्लम आती है, पर आगे चल के आप लोगों को बहुत ही अच्छा फ्यूचर जनरेट होता है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखने को मिलता है। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइफ आप लोग देख ही रहे होंगे क्या लाइफ होती है। ठीक है, और ख़ासकर ये हम और आप जो तीन ब्रांच चूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। ठीक है, और ब्रांच है, आप लोग और ब्रांच को भी चूज कीजिए, कोई भी ब्रांच जो है वेस्ट नहीं होता, कोई भी ब्रांच खराब नहीं होता है। ठीक है, हर ब्रांच अपने अपने स्थान पे अपना अपना बहुत बहुत बहुमूल्य रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस चिप्स निकलता है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स निकलता है, ब्लंट अप चिप्स निकलता है। ठीक है, ये तीन टाइप के चिप्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तीन टाइप के चिप्स होते हैं। मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैं चिप्स ब्रेकर के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा, पर्टिकुलर वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप CNC का प्रोग्रामिंग भी बताया गया है, और लगातार बताया भी जाता है, और जॉब से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, टूल से रिलेटेड है, और मेजर से रिलेटेड टूल है, जितने भी सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ फ्रेंड्स, और बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जो है मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, और एक इसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाया था कि शीशा जो होता है ना, जो हमारे इस लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है शीशे। ठीक है, आज मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो सामने मोबाइल है जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके सामने जो जो स्क्रीन है वो भी एक कांच की है, तो इसके बारे में पर्टिकुलर कैसे बनते हैं मैं बता रखा हूँ। और जो चिप्स है फ्रेंड्स, वो थ्री टाइप की होती है, आप लोग खराद मशीन पे देखे होंगे, या फिर आप लोग लकड़ी का बुरादा देखे होंगे, वो भी एक चिप्स की ही नुमा निकलती है। जब हम लकड़ी को जो है एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जब आप हेक्सानिंग आप लोग देखे होंगे यदि काम किए होंगे। ठीक है, हेक्सा जब मटेरियल को रिमूव करते हैं या फिर लकड़ी को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना होगा यदि आप लोग मैकेनिकल से हैं, टेक्निकल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो चिप्स होता है फ्रेंड्स, वो थ्री टाइप का होता है। नंबर वन याद रखिएगा, नंबर वन कंटिन्यूस चिप्स, नंबर टू डिसकंटिन्यूस चिप्स, नंबर थ्री जो है बिल्डअप चिप्स, ठीक है। और ये बिल्डअप चिप्स क्या होता है ना, जो कंटिन्यूस चिप्स होता है, इस कंटिन्यूस चिप्स क्या है, जो हम डक्टाइल मेटल का यूज करते हैं कटिंग के लिए, जैसे एलुमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम कटिंग करते हैं एक्स्ट्रा मेटल को हटाने के लिए, ड्राइंग के अनुसार जब हम एक्स्ट्रा मेटल को हटाते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस चिप्स जनरेट होता है, ठीक है। कंटिन्यूस चिप्स जनरेट होने का इन द सेंस कि फ्रेंड्स, जब वो एक वहाँ पे स्पीड अधिक होती है फ्रेंड्स, ठीक है, स्पीड अधिक होती है और वो ब्रिटल मटेरियल होता है, इसलिए कंटिन्यूस वो फ्लो होता रहता है। जो हमारा टूल्स होता है, जो हमारा जो कटिंग टूल, जिसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं, वो इंसर्ट होती है वहाँ से, उसके बैक रैक एंगल से, रैक एंगल से वो गुजरता है कंटिन्यूस में, ठीक है। तो आगे मैं अभी आप लोगों को लगा दूंगा फिगर, ठीक है। और एक डिसकंटिन्यूस चिप्स होता है, डिसकंटिन्यूस चिप्स का मतलब ये होता है कि जब भी जो है मशीनिंग करते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस चिप्स का मतलब कि वहाँ पे छोटे छोटे कणों में बट के निकलता है, छोटा छोटा चिप्स वहाँ पे जनरेट होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है आप लोग कास्ट आयरन में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ये चीज़ें कास्ट आयरन, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है, वहाँ पे देखने को ये चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती हैं ये चिप, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेटल हटाते हैं कंटिन्यू। मतलब देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो हमारा जॉब है, जो हमारा जो है ये जिस मटेरियल के हम रिमूविंग करते हैं, जिस मटेरियल को हम मशीनिंग करते हैं, वो किस मटेरियल का है, हार्ड है, टफ है, ब्रिटलनेस है, या फिर किस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम बता दिए आप लोगों को, एल्युमिनियम का अगर आप लोगों को मशीनिंग करना है तो वहाँ पे कंटिन्यूस चिप्स निकलते रहते हैं, ठीक है, घुघुराले तरीके से, ठीक है। और आप लोग डिसकंटिन्यूस में कास्ट आयरन वगैरह आ जाता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 4% के लमसम में होता है। और एक होता है बिल्डअप चिप्स होता है, जब हम फ्रेंड्स किसी हार्ड मटेरियल को जो है क्या करते हैं कि मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ना वो फ्रेंड्स, वो बहुत ही अधिक होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल हीट हो जाता है, टूल और मटेरियल के बीच का एक हीट जनरेट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मटेरियल के स्थान पे छोटे छोटे से एक टिप बन जाती है, ठीक है, टिप बन जाती है, उभर, एक तरीके से देखा जाए तो उभार इस तरह से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बिल्डअप, ठीक है। तो ये तीन तरीके की चिप्स निकलती हैं फ्रेंड्स हमारे मटेरियल को, जब हम रिमूव करते हैं, जब मशीनिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप लोग इंडस्ट्री में प्रवेश करते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर, अगर आप लोग इससे रिलेटेड हो, मैकेनिकल से रिलेटेड हो, तो इंटरव्यूअर आपको निश्चित 100% आप लोगों को टॉपिक टच करेगा ही करेगा, ठीक है। और आप लोग पूरी वीडियो को कंटिन्यूअस जब तक नहीं देखोगे, डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम आने ही आने वाली है, ठीक है। और सीएनसी कितने टाइप की होती है, सीएनसी से रिलेटेड आल चीज़ें मैंने क्लियर किया, ठीक है। और माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, स्नैप गेज, ठीक है, और फीलर गेज क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये तीन टाइप की जो फिगर मैंने, तीन टाइप की जो मैंने चिप्स बताया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। और चिप ब्रेकर क्या है, इसके बारे में पर्टिकुलर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन घंटी को ज़रूर ओपन करके रखिएगा, ताकि इसी तरह से आप लोग को नॉलेजेबल फुल वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।